माँ बासमती सेवा संस्थान के द्वारा दीपावली पर हर गरीब का घर दियों से रोशन हो कार्यक्रम के तहत 2000 नागरिकों में मिठाई व दियों सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसके संबंध में पार्षद प्रतिनिधि रामनाथ निषाद ने बताया कि हर वर्ष की तरह दीपावली पर गरीब दुखियों के घरों में अच्छे से दिवाली मन सके इसके लिए दिवाली पैकेट दिया जाता है, जिसमें वस्त्र, बर्तन, मिठाई, दिया, तेल, लाई और बच्चों के लिए फुलझड़ी होता है, जो कि इस वर्ष भी वितरण किया गया है। उन्होंने कहा है कि पार्षद माया देवी के नेतृत्व में हर गरीब दुखियों को आज लाभ मिल रहा है। जनता का ही देन है जिसके कारण मैं यह कार्य कर पा रहा हूँ। इस अवसर पर शत्रुघ्न सिन्हा, राजेंद्र निषाद, उमेश तिवारी, प्रकाश चंद, योगेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झरना टोला वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रामनाथ निषाद ने कहा, ये कार्यक्रम हमारा आज का नहीं है, ये कार्यक्रम हमारा 13 साल पुराना है। ये 13वां साल, जैसे हमारा मानना है कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है एक घर दिया, हमारे घर से पहले जरूरतमंदों के घर जले। जब उनके घर पे दिया जलेगा, उनका घर उजाला होगा, तो हमारे घर में आप अपने आप उजाला हो जाएगा। जब वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। और यह माँ बासमती सेवा संस्थान के बैनर तले यह कार्यक्रम हर साल होता है, और इसलिए आज भी मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे बीच में जितने भी ज़रूरतमंद और वंचित लोग हैं उनको मैं हर साल धनतेरस के सुबह एक दिन पहले इसका उपहार देता हूं, और आज भी उसे वही कार्यक्रम में कर रहा हूं। कितने लोगों को जो है कि उपहार दे? लगभग 2000 लोग होते हैं, 2000 महिलाएं चाहे जेंट्स जो भी मिला करके 2000 लगभग होते हैं, उनको मैं उपहार दे करके उनका आशीर्वाद लेता हूं। ये आपका 13वां वर्ष है? 13वां वर्ष है ये कार्यक्रम का। अब प्रार्थना होगी स्वीकार, जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।